नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए मोदी ने की मॉरिशस की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में योगदान के लिए गुरुवार को मॉरिशस की सराहना की और कहा कि इस भाषा ने विश्व में एक विशेष स्थान हासिल कर लिया है। यहां तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में मोदी ने यहां विश्व हिंदी सचिवालय भवन के निर्माण की आधारशिला रखी, जहां उन्होंने हिंदी भाषा की अद्वितीयता का वर्णन किया। मोदी ने कहा कि हिंदी भाषा भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। जब कोई अपनी मातृभाषा में बात करता है तो यह दिल से निकलती है। हमारे पूर्वज मॉरिशस में हिंदी लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि मॉरिशस में हिंदी को जो प्यार मिला वह अपने आप में एक उदाहरण है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसका खुद का हिंदी साहित्य है। गंगा तालाब पर नरेंद्र मोदी ने की शिव पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गंगा तालाब देखा, जिसे मॉरिशस में सर्वाधिक पवित्र हिंदू स्थल माना जाता है। उन्होंने भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बीती रात मॉरिशस के शीर्ष नेतृत्व से बात करने वाले मोदी ने यहां अपनी यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत सुबह पवित्र स्थल को देखने के साथ की। गंगा तालाब को ग्रैंड बेसिन भी कहा जाता है। यह मॉरिशस के मध्य में सावने जिले के दूरस्थ पर्वतीय इलाके में झीलनुमा गड्ढे के रूप में स्थित है। यह समुद्र तल से 1800 फुट ऊपर स्थित है। गंगा तालाब जाने वाला तीर्थ यात्रियों का पहला समूह त्रियोलेत गांव से था और इसका नेतृत्व 1898 में टेरे राउज के पंडित गिरी गोसाई ने किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, शुक्रिया सोनिया जी। कोयला घोटाले में आरोपी बनाने के अदालत के निर्देश के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनके प्रति एकता दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी को गुरुवार को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे उनके शुक्रगुजार हैं। सिंह के प्रति अपना समर्थन जाहिर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के उनके आवास की ओर मार्च करने के कुछ देर बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि वे बहुत आभारी हैं। हेमा मालिनी ने उठाया यमुना में गंदगी का मुद्दा। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने लोकसभा में यमुना की दुर्दशा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर इस दिशा में ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में पूछा जाएगा कि क्या मथुरा वृंदावन में यमुना बहती थी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हेमा ने कहा कि यमुना नदी की दुर्दशा देखकर काफी दुख होता है। वर्षों से ब्रजवासियों को केवल आश्वासन दिया गया है, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि यमुना नदी की स्वच्छता और नदी जल को निर्मल बनाने के लिए क्या कार्य योजना है और इसे कैसे लागू किया जाएगा। नस्ली आधार पर पक्षपात का आरोप लगाने वाला खिलाड़ी विश्व कप से बाहर। स्कॉटलैंड के क्रिकेटर को ट्विटर पर नस्ली पक्षपात का आरोप लगाना उस समय महंगा पड़ गया जब उन्हें स्वदेश लौटने के लिए बोल दिया गया। स्कॉटलैंड के लिए वनडे में सर्वाधिक विकेट ले चुके मजीद हक को सोशल मीडिया पर अपनी टीम पर नस्ली पक्षपात का आरोप लगाने के कारण विश्व कप क्रिकेट से बाहर कर दिया गया। एक जानकारी के मुताबिक हक ने ट्विटर पर लिखा था कि जब आप अल्पसंख्यक होते हैं तो आपके लिए हमेशा मुश्किलें पेश आती हैं। बाद में यह ट्वीट हटा दिया गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।